तो मतलब अब आप एज ओनर क्या समझते हो, मतलब कि गाड़ी की रिजर्व कैपेसिटी तो अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आप कहीं जैसे हाईवे पे जा रहे हो पेट्रोल पंप पे, की बात नहीं है, हमें अब ये उम्मीद से पार जा रही है भाई, 45.1 जब होते हैं ना भाई 55 हो गया है भाई, पेट्रोल भी बैठा हुआ ये सोच रहा भैया मुझे डालोगे या नहीं डालोगे मेरे, मैं आई एम इनविजिबल टू यू। स्टार्ट करो, हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई कैसे हो सारे के सारे, सभी भाइयों को राम राम, राम राम सभी भाइयों को यार। और आज हमें अपनी स्कॉर्पियो वैन में, आज हम कुछ अलग टेस्ट करने वाले हैं भाई। अभी क्या है, इसमें ऑन करके दिखाओ, इसमें पेट्रोल नहीं है बिल्कुल भी, टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, स्कॉर्पियो वैन का आज हम रिजर्व टेस्ट करेंगे कि ये रिजर्व में कितना चलती है। तो भाई देखेंगे रिजर्व में जाके ये कितना चलेगी। अभी जो फिलहाल इसकी रेंज आ रही है वो आ रही है भाई 9 की, ये 9 किलोमीटर की रेंज है, तो 9 को हम जीरो करेंगे और देखेंगे रिजर्व में कितने किलोमीटर चलेगी। बाकी आप सोच बताओ कमेंट में देखने से पहले कि क्या उम्मीद है आपको, कितना चलती है। और पेट्रोल की गाड़ी है ये, पेट्रोल 90 ये मॉडल मैं आपको बता दूं, स्कॉर्पियो Z8L मैनुअल पेट्रोल में है भाई, टॉप मॉडल टॉप एंड है, तो इससे आप पता लग जाएगा। काफी लोगों का डाउट रहता है भाई गाड़ी रिजर्व में कब बंद होगी है, फिलहाल 9 की रेंज है और जो एवरेज शो कर रहा है वो 7.6 की कर रहा है भाई, 7.6 किलोमीटर पर लीटर की भाई फुल ट्रैफिक में हम, और रेंज ऐसे गिरती है इसकी धड़धड़ 5 रह गई भाई, 5 की आ रही है रिजर्व पर लगने वाली भाई, 5 की रेंज आ रही है भाई, हम है ट्रैफिक में। हमने सोचा था कि वहां से हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा हाईवे का भी हो जाएगा, पेट्रोल ले रखा है अपना बॉटल, ये देखो भाई ये 2 लीटर लिया हुआ हमने भाई, 2 की रेंज रह गई है, 1 की रह गई भाई, 1 हो गई, देखो कैमरा ऑन करते ही इसको दिख जाता है कैमरा, इसे कैमरा शायद तो है मेरी गाड़ी, आप जीरो करते ही इसको वो कर देना, रुक जा चाचा रुक जा, देख ले पीछे भी है, फुल 1 पे चल रही है और हम ये भाई नमकीन तो ईस्टर्न पेरिफल पे आने वाले हैं, इतने हमने सोचा कुछ खा ही लेते हैं, अब तो गाड़ी में ही रहना है, देखते हैं पता नहीं कितना ही चले कितने पे बंद हो। बड़ी अच्छी चल रही है, तो पहली बार होगी ना जीरो, नहीं रिजर्व पे पहले भी लगी हुई है पर कभी टेस्ट नहीं करा भाई। चली चल जाती है मतलब पता नहीं लगता ऐसे, पर आज पता लग जाएगा भाई, एस्टिमेट करते हैं हम दोनों भी कि तुझे क्या लगता है कितने किलोमीटर चलेगी भाई, चल जानी चाहिए 20-25 तो, मेरा कहना है 35 से 40, अब देखते हैं 20 से 25 या 35 से 40, हो सकता है 50 भी चल जाए तो 10 ही चले, 35 से 40 तो मेरा मानना है कि चल जाएगी रिजर्व पे, ये मैनुअल है पेट्रोल अब पता नहीं ना इसका, आज तक कभी करा नहीं है किसी ने भी इसका, मेरे को यहाँ तक लगता है ना स्कॉर्पियो का पता नहीं करा भी होता ऐसे हम नहीं बोले, आगे रेंज जीरो यार, रोको गाड़ी को इसे सब रोको भाई, सब कुछ जीरो करेंगे फिर स्टार्ट करूंगा, ये लो एक तो यहाँ से सब कुछ जीरो कर दिया ठीक है, उसके बाद ड्राइव इन्फो में ना ड्राइव इन्फो में एक तो ये भी जीरो करना, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ, ट्रिप है ट्रिप भी, चल भाई लिमिट्स में आ गया, अब देख लो रेंज इसकी जीरो हो चुकी है भाई। तो भाई मैं आपको बता दूं हमारा एसी भी ऑन है, इसमें ड्यूल जोन आता तो एक जोन का ऑन है एसी इसमें, एक जोन का ऑन है, तो कई गाइस को ये डाउट होगा कि भाई एसी ऑन है या ऑफ है, अभी तो ऑन है, आगे चल के हो सकता है हम जब ही एक बार बंद हो तो ऑफ करके ट्राई करें क्या पता फिर स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी हमने ऑन किया हुआ है और 1 किलोमीटर चल गई है, 1 किलोमीटर आ गई है इसमें जब से हमने जीरो की है रेंज, डिस्टेंस जीरो किया जब से हमने ट्रिप, तब से 1 किलोमीटर अब आया है, अब आगे हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे, थोड़ा सा हाईवे पे चलेंगे पता लग जाएगा, फिर पता लगेगा अपन को ये कितनी चलती है। ले फन दे दो भाई, लो दे दो, अरे अरे भाई उड़ाती बढ़िया है पानी है,
भाई देखो एवरेज देखो क्या शो कर रही है 15 का, क्योंकि हमने क्रूज किया हुआ है भाई 80 और वो भी 80 पे क्रूज किया हुआ है। 80 पे ना गाड़ी बढ़िया एवरेज निकालती है, 100-120 हम भगाते हैं तो वहाँ एवरेज गिर जाता है। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर आप हाईवे पे अच्छे क्रूज पे चलोगे, पहली बार गाड़ी में मैंने 15 लिखा देखा है, 15 एवरेज अच्छा शो करेगी भाई, मैं 20 ना कर दे। और अगर बात करें चलने की तो कितने चल चुके हैं भाई, देखो भाई चलने को तो ये 22 किलोमीटर हो गई होगी अप्रोक्स, 22-23 किलोमीटर चल रही है यार, 22 हो गई है, 22-22.5 होने वाली है। तो भाई अब तक हम मजे में फुल फुल चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात एकदम बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं ना, कोई भीड़ नहीं है, तो फिर थोड़ा अच्छा एवरेज भी दे देगी गाड़ी में तेल ज्यादा ही, मतलब मैं कह रहा हूँ 35 शायद या 40-45 हो सकता है, ज्यादा भी चल जाए 40-45 तो मैं मानता हूँ, 40-45 पे आ गया मेरा मन जब से मैं अभी देख रहा हूँ ना, 15 की एवरेज देख रहा हूँ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, हम पलट गए एकदम अपनी बातों से, ये 25 कह रहा है, ये भी कह रहा 40, मैं भी कह रहा हूँ 40। तो बाकी आप बताओ, बाकी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई वीडियो, तो बने रहो और हाँ बने रहो और लाइक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी अभी और वीडियो आने वाली है जबरदस्त इंटरेस्टिंग एक्साइटेड, तो भाई देखते रहो बस। अब हो गए 23 किलोमीटर, चले जा रही है गाड़ी, चले जा रही है रिजर्व में भी भाई, इसका मतलब अच्छा खासा पेट्रोल रहता है भाई गाड़ी में, हम लोगों को डर लगता है कि भाई बस खत्म हो गया, बंद ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, हालांकि ये करना नहीं चाहिए, हम कर रहे हैं बस आप लोगों के लिए वैसे कर रहे हैं भाई, वरना ये करना नहीं चाहिए, ये हम इसके बाद एस्टर का भी देखेंगे। हाँ ये हम रिकमेंड नहीं करते किसी भी गाड़ी का, डीजल में तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, डीजल गाड़ी बंद नहीं हो, वो हवा ले जाती है, पेट्रोल नहीं होती, तो इसलिए पेट्रोल में ही कर रहे हैं। 35 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, जबरदस्त चल रही है, कहीं से कहीं तक इनने हमें ये वार्निंग नहीं दी कि भाई बंद होने वाली है अभी तक, तो बाकी देखते हैं आगे। और पेरिफेरल से हम उतर चुके हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे चलना एकदम बंद हो जाए, कोई मिलेगा भी नहीं, टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप इजीली मिल जाएंगे, रुकेगी कहाँ ये पता लगेगा भाई, 35 तो चल चुकी है भाई, 40 मेरा एस्टिमेट, 40 से 45 के बाद मेरे को लगता है कहीं भी दम तोड़ सकता है। पहले ये 35 कह रहा था, फिर ये 40 और 45, मैंने कहा था मैंने 35-40 को पहले बोला था, मैं 45 आ गया, तू 25 से 30-35 पे आ गया था, 35 को पार कर रहा है, चलो देखते हैं क्या पता 50 भी, भाई 38 चल गई है, मतलब ऑलमोस्ट 40 आप समझ लो भाई, 40 तो हो गई, मैं कह ही रहा हूँ देखिए भाई, बनना होता 40 तो कर देगी, 40 किलोमीटर 40 हो गई है करीब, 3-2-1 गो 40 चलेगी, बाकी और आगे पता लग जाए कितनी चलेगी, 40 किलोमीटर आराम से चलेगी। और एसी ऑन है भाई, मैं आपको फिर से बता दूंगी ना, एसी ऑन डुअल वाले में से सिंगल वाला, सिंगल एसी, एक हमने एसी ऑन किया हुआ है और कंटिन्यू ऑन, हमने बंद नहीं करा भाई। और फैन स्पीड भी मैं आपको बता दूं तो कितने पे सेट है, 1 पे है, ये लिखा 1 पे फैन स्पीड, मजा आ गया भाई, इतनी उम्मीद नहीं थी हमें, 40 लास्ट थी लेकिन अभी भी गाड़ी में जान है, 45 लास्ट है भाई हमारा, उम्मीद याद रखियो 45 जब तक नहीं हुई जब तक मैं नहीं कहूंगा कि लास्ट थी, 45 भी हो जाएगी अभी दादा, 42 तो हो गई थी, 42 तो हो गई, तो मतलब अब आप एज ओनर क्या समझते हो, मतलब कि गाड़ी की रिजर्व कैपेसिटी तो अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आप कहीं जैसे हाईवे पे जा रहे हो पेट्रोल पंप, तो तकने की बात नहीं है हमें, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर में तो इजीली पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा, अगर हम कहीं ज्यादा वैसी जगह पे नहीं जैसे कि अब हम पहाड़ों पे, तो भाई वहाँ पे तो एक तो एवरेज का भी डिफरेंस आ जाएगा, हाँ वो चढ़ाई में तो आता है, फिर दूसरी चीज हमने क्रूज पे चलाई है, फिर हमने क्रूज पे भी चलाई है गाड़ी, हमारी लगातार क्रूज पे चली है और हाईवे पे चली है, झटके लिए भाई गाड़ी ने दो तीन, है ना वो फील हो रहा होगा आपको चलाने में कि बस कहीं ना कहीं तेल मांग रही है, मुझे लग रहा है भाई, लगा मुझे अभी लगा इसने झटके लिए, तो देख लो भाई 42.8 तो हो चुका है और हम अभी ट्रैफिक में आए हैं, हल्का सा ट्रैफिक है, पैच है, पैच ऑफ ट्रैफिक, इन्हें अभी पता लग जाएगा 43, हल्का सा झटका हो रहा है, बहुत हल्का सा, तो मतलब अभी करीब 3-4 किलोमीटर ही और चल पाएगी, मुझे तो लग रहा है अभी 50 कर देगी, क्योंकि 43 हो गए 43, शेरनी 50 कर देगी, 7 किलोमीटर कुछ भी नहीं है शेरनी, आज इसका खून हमने चूस लिया रोज ही हमारा चूसती है, क्यों भाई 45 हो गए हैं, अब ये उम्मीद से पार जा रही है भाई, 45.1 जब होते ही ना, ये उम्मीद नहीं थी भाई इससे, 45 पार कर दिए इसने भाई, अब देखते हैं कितना तक जाएगी भाई, कमाल कर दिया भाई सब इसके रिजर्व ने, तो पेट बहुत बड़ा है इसका, हम वापस दादरी होंगे गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं लेकिन इसका पेट खाली नहीं हो रहा, हमें लास्ट 45 तक की उम्मीद थी, हमारी उम्मीद पे खरी उतरी अब तक, तो कितने हो गए दादा 48.4,
48.4 तो करीब रुक नहीं रही है, हाफ सेंचुरी कंप्लीट करके मानेगी भाई। मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा ट्रैफिक आया है, तो हमें लग रहा है यहाँ ट्रैफिक में दम ना तोड़े, क्योंकि ट्रैफिक में थोड़ा सा पेट्रोल ज्यादा चाहिए होता गाड़ी को। भाई इस टेस्ट में सब हो गया, सिटी भी हो गई और ऑफ रोडिंग भी हो गई और हाईवे भी हो गया। लेकिन ऑफ रोडिंग देख लो पक्की वाली चल, लेकिन गाड़ी नहीं बंद हो रही भाई। देखो देखो इन्हें देखो, ये देखो एकदम मुड़ जाते हैं। देखो ये देखो पहले ऑफ रोडिंग तक, और 50 किलोमीटर भी होने वाले हैं इसकी हाफ सेंचुरी। सब ठीक हो जाएगा, इसमें पता लग जाएगा कैसे भी चल रही हमने गाड़ी, उसके बाद कब रुकी कब रुक। देखो फुल ऑफ रोडिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीर मेडिकल इश्तोर, यहाँ ही 50 किलोमीटर पूरी होने वाली है भाई। देख लो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बस 500 मीटर बाद हो जाएगी ये अपनी, 500-600 मीटर रह गए। ये तो अभी दाब दूंगा 500-600 दूंगा, लेकिन अभी तक गाड़ी बंद होने का नाम नहीं ले रही दादा। गाड़ी कह रही मैं नहीं होंगे बंद, तुम हो जाओगे। गाड़ी कह रही अब मैं तुम्हें थकाऊंगी, हमने सोचा था हम इसका खून पियेंगे, ये तो हमारे पीने लगे, ये हमें थका रही है, कह रही मैं बंद ही नहीं हो रही। करीब एक घंटा होने वाला है, मैं देखो उसमें भी शो कर रहा है चलते हुए। अब आप हिसाब लगा लो कितना रिजर्व में रखती है ये खून अपने अंदर। हमें बताती है कि भैया खत्म हो गया, तेल ला लो 50 पे होने वाली है, 49.9 है, ए होने ही वाली है, किसी भी सेकंड हो जाएगी। चलो तो भाई 50 डन, हाफ सेंचुरी मार दी भाई इसने रिजर्व पे, हाफ 50 किलोमीटर तो क्लीन चल गई है, क्लीन बिल्कुल, जिसमें कि हाईवे भी और सिटी भी और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी हुई है। तो आप हिसाब लगा लो भाई सब गाड़ी में का पोटेंशियल क्या है, रिजर्व में भी है आराम से जाएगी 50 किलोमीटर, अपने अंदर अच्छा खासा तेल दाब के बैठी रहती है। हमें बता दिया लो फ्यूल भाई, हम थक गई होना तकरी 60 किलोमीटर जाएगी यार। चलो 60 भी करेंगे भाई, अब जब भाई 45-53 पे देखो पानी, देखो भाई दिल्ली NCR में ये हालत हो रखी है इस समय, फुल पानी भर रहा है। अभी भी बारिश का मौसम, ऊपर बादल, ये लगा लो आप गाजियाबाद से हो अगर तो, मेरठ रूट से स्टार्ट किया था हमने और ईस्टर्न पेरिफल घूम के दादरी उतर के दादरी पूरा घूम के दोबारा गाजियाबाद आ गए, लेकिन यू बंद ना हुई। करीब हमें 1 घंटा 13 मिनट हो गए हैं चलते हुए, गाड़ी हमने बंद करी नहीं, बीच में एसी कंटिन्यू ऑन है, तो अब आप लगा लो खुद ही। भाई 55 हो गया है भाई सब, पेट्रोल भी बैठा हुआ, ये सोच रहा भैया मुझे डालोगे या नहीं डालोगे मेरे, मैं एम आई इनविजिबल टू यू। तो भाई ये ना रुक रही 55, 55.5 हम अपने शहर आ गए यार, वापस हम गाजियाबाद आ गए घूम घाम के, हमने सोचा था बीच में जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन भाई ये तो हमें वापस ले आई। अभी क्या लगता है और चलेगी या नहीं ये? भाई 60 जाएगी मुझे जो लग रहा है, फिर 60 से तुम 70 कर दोगे भाई। जब अब मैं तो वो बना रहा हूं, माइलस्टोन बना रहा हूं अपने, जितने जितने चल रही है उतना उतना आगे बढ़ रहा हूं मैं तो। 45 के बाद से उम्मीद थी नहीं हमें, पर अब 55 आ गई, 10 किलोमीटर पर आ गई, मैं 60 कह रहा हूँ। ये टेस्ट धीरे धीरे करके बड़ा एक्साइटिंग सा होता जा रहा, और हम ट्रैफिक में हम ये ना सोचे भाई यहाँ ना बंद हो जाए, इसलिए हम साइड साइड में चल रहे हैं भाई, ताकि साइड में बंद हो तो औरों को प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम रुक के आराम से इसमें पेट्रोल डाल सकें और आपको दिखा भी सकें। भाई गाजियाबाद शहर भी आके पास पार करने वाले दोबारा से, और इसके 60 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं भाई, कमाल ही कर दिया भाई, ये एक्सपेक्टेड तो भाई किसी को नहीं था। हमें 45 से 15 किलोमीटर पर, 60 तो मेरी लास्ट है, इसके बाद तो मैं कहूंगा उम्मीद से पार कभी भी बंद हो जाए, अभी इसके ऊपर है भाई हमारा तो। देखो उम्मीद इसने पार कर दी है बहुत हद से ज्यादा, अच्छा खासा रिजर्व में लेके चलती है भाई, 60 पार कर चुकी है, 60 क्रॉस हो गए हमारी उम्मीद से पार हाथ जा चुकी है, और अब मतलब हमें सिग्नल भी नहीं मिल रहा इसकी तरफ से, क्योंकि जैसे बंद होने वाली होती है तो पता लगता है ना कि बंद होने वाली, वो भी नहीं लग रहा अभी तक, तो मस्त चल रही है, ऐसा लग रहा है इसमें तेल नहीं। एक बार एवरेज दिखाओ भाई क्या आ रही है, एवरेज देख लो, क्योंकि सिटी भी मिक्स हो गया ना अब हमारे, 13.2 की आ रही है भाई एवरेज फिलहाल इसमें ये। फिर अब देख रहे हैं भाई, अब हम तो चल ही रहे हैं क्या करें, कुछ खाने का हो रहा था तो हमने कहा नहीं हम पूरा वीडियो करेंगे उसके बाद ही खाएंगे, क्योंकि गाड़ी रोकनी पड़ जाएगी, इसलिए अभी तक रोकी नहीं है हमने। करीब 1.5 घंटा हो गया होगा, क्या टाइम हो गया इसमें भाई, हमें चलते हुए करीब डेढ़ पूरा भाई, हमारा ड्राइवर भी इरिटेट हो गया भाई, ये ना बंद हो रही है 65 हो गए भाई, हम सोचे अबो ये 100 किलोमीटर ना चली जा भाई, वो भी एक एपिक ही हो जाएगा फिर तो, एपिक मोमेंट हो जाएगा। हां 65 तो हो गया देख लो भाई, 65 किलोमीटर हो गए हैं भाई, ध्यान से दिखा दो देखो
हमें खुद लग रहा है इसमें कोई पीछे से तेल तो ना पड़ो रिजर्व पे लग रही है बिल्कुल। देख लो भैया बत्ती बल्लुक लुक 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 हो रही है। 1 घंटा 35 मिनट हमें हो चुके हैं और एवरेज स्पीड हमारी 40 आ रही है अब फिलहाल तो चल ही रहे हैं। अब हम शहर शहर में घूम रहे हैं। अब गाड़ी हमारी स्टार्ट ही हमने बंद नहीं करी, सोचा कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है भाई। कब तक चलेंगे इसका कोई अभी भरोसा नहीं, पता नहीं कितनी चले। बर्गर खा के चल रहे हैं, बंद नहीं करा, चल रहे ऑफ नहीं करिए गाड़ी, एक मिनट रुकेंगे बस, बर्गर भाई हाथ में देगा। भाई 75 किलोमीटर हो गए, इसने हमें थका दिया आज, थक गए भाई हम। गाजियाबाद के कितने चक्कर लगा चुके हमें ही नहीं पता। चले दादरी एक और बार दोबारा ना, पक्की बात है कहीं भी चले जाओ यार, ये बंद हो जाए बस। लेकिन कमाल है भाई, रिजर्व पे जाने के बाद 75 किलोमीटर 80 हो जाएगी अभी तो, 80 हो जाएगी अभी 2 मिनट में हो जाएगी। देखो भाई 75 क्या क्या ये, क्या ये 100 किलोमीटर कर पाई? 100 किलोमीटर कर लेगी भाई, कर लेगी नहीं 100 किलोमीटर कहाँ कर पाएगी, ध्यान मेरा कहीं और था भाई, सॉरी। 100 किलोमीटर नहीं हो पाएंगे, नहीं 80-85 मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे RDC वाले रोड पे चल रहे हैं भाई, 1-2 राउंड लगाएंगे ठीक है ना। ठीक है चलो चलो गाइस अब 80 पे मैं मिल। तो भाई गाड़ी हो गई है बंद हमारी, डिस्टेंस जो आ रहा है वो 77.5 75 किलोमीटर, ये देख लो भाई 77 किलोमीटर है। अब हम एक बार इसका AC ऑफ करेंगे भाई, पहले AC ऑफ करो, AC ऑफ है अब स्टार्ट करो, नहीं चल रही, थोड़ी सी कोशिश करो, नहीं चल रही बंद कर, छोड़ दो। तो भाई ये करीब भाई 77.5 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी रुकी है, रिजर्व में चली है भाई 77.5 किलोमीटर, तो करीब 78 मान लो आप, और जो हमारी एवरेज स्पीड रही है 33 रही है, इसमें हाईवे और सिटी मिक्स रहा है। एवरेज दिखा दो एक बार, एवरेज का शो हो रहा है ये 12:30 का, 12:15 का शो हो रहा है। जब हमने शुरू किया तो 15 तक गया था लास्ट है ना, हाईवे पे जो गया था 15 तक गया। अब आप देख लो आपको डरने की कोई बात नहीं है, गाड़ी अगर बंद हो जाती है तो आपका गाड़ी बंद हो जाती है। एक बार और स्टार्ट करके दिखा दो भाई, कभी लोगों को लगे, देखो सेल्फ की आवाज नहीं, एक सेकंड में बाहर से दिखा देता हूँ आवाज, स्टार्ट करो। तो भाई करीब 77.5 किलोमीटर चली है रिजर्व पे लगने के बाद, स्कॉर्पियो एन ZL पेट्रोल मैनुअल में। तो चलो इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, अब अगली वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि 1 लीटर में कितना चलेगी। तो चैनल पे बने रहना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, उसमें आपको पता लगेगा 1 लीटर में रिजर्व पे बंद होने के बाद कितना चलती है। और सबसे पहली बात तो ये देखने वाले कि 1 लीटर पे स्टार्ट हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि यही देखने वाली बात है, हो सकता है स्टार्ट ही ना हो पाए। तो चलो इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, अगर अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम।